बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हसीना। तो देखिए, आज यहाँ पर मैंने एक स्पेशल दाल बनाकर रेडी किया है, जो कि आलू, बैंगन, टमाटर सब मिक्स वेजिटेबल से बनाया है। इसमें दाल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कैरी एड किया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है। तो आप अपने घर पर इसे जरूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है दो बैंगन और तीन आलू है और दो टमाटर है। आलू को मैंने स्किन निकाल दिया है, बैंगन का भी स्किन निकालना है हमें, तो इसको अच्छे से धोऊंगी, पहले स्किन निकाल के लेंगे। पहले तो आप जब ये वेजिटेबल का दाल बनाएंगे तो स्किन निकालना जरूरी है, नहीं तो फिर दाल है ना काला दिखने लगता है, अगर स्किन नहीं निकालेंगे तो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बैंगन का स्किन निकाल के लिया है, और ये प्याज है एक, तो एक मैं अभी कुकर ले लेती हूँ, और इसमें हम बैंगन के बड़े बड़े टुकड़े काट के डालेंगे। तो बैंगन काला नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको फिर से एक बार धोना है हमें। और ये आलू के भी बड़े बड़े टुकड़े काटेंगे, देखिए इस तरह से, ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी काट सकते हैं। आलू को हमने कट करके लिया है, तो अभी इसको पहले हम धो लेते हैं अच्छे से। तो अब हम इसमें टमाटर काट के डालेंगे, बड़े बड़े पीस डाल सकते हैं। प्याज डालेंगे इस तरह से, एक प्याज है, इसको भी स्लाइस में कट करके डालना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो मिर्ची लिया है, तो इसको हम बड़े बड़े टुकड़े में ही काट के डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है अदरक का, इसको भी हम बड़े पीस में काट के डालेंगे, हो गया। तो देखिए, चार से पाँच कली लहसुन की डालेंगे, पानी डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तो यहाँ पर मैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, एक चम्मच धनिया पाउडर, तो एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। चम्मच हम ऑयल डालेंगे, और इसको चार से पांच सीटी आने तक पका के लेंगे, जब तक हमारा ये सारा जो वेजिटेबल अच्छे से गल नहीं जाता है। यहाँ पर हमारा सारा भाजी अच्छे से गल चुका है, तो इसको हम अच्छे से मैशर से मैश करके लेंगे, एकदम मैश करके लेना है, बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए इसमें, थोड़ा बहुत अक्खा रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए, अब हम तड़का लगा लेते हैं। एक पतीले को मैंने गरम करने के लिए रख दिया, इसमें हम तीन से चार चम्मच ऑयल डालेंगे। तो जैसे ही तेल गरम होता है, हम इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता, तो इससे दो लाल मिर्ची डालेंगे, और प्याज डालेंगे। प्याज सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। देखिए, प्याज को हम अच्छे से लाल करके देंगे। तो चलिए, अब हम इसे डाल लेते हैं, देखिए को टेस्ट करके फिर से अगर कम है तो इसमें ऐड करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बॉईल आने लगा है, तो इस स्टेज पे हम डालेंगे सांभर मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, ये होममेड है। इसका भी रेसिपी मैंने पहले अपलोड की हूँ, तो आप चाहे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। इसमें जरूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो ये मेरा इतना सही है, मैंने ऐड की थी पानी। और अगर आप पानी ऐड करेंगे कभी भी, तो गर्म पानी ऐड करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आता है और जल्दी भी बन जाता है। तो इसके लिए पानी को कोई भी दाल में या हम ग्रेवी बनाते हैं तो गर्म पानी ही ऐड करना। तो देखिए, इस दाल को चटपटा और भी चटपटा बनाने के लिए हम इसमें इमली का पानी डाल सकते हैं, और कच्ची कैरी डाल सकते हैं, और फिर कोकम भी डाल सकते हैं, जिससे थोड़ा खट्टा होगा। यहाँ पर मैंने आधा खाली करके लिया है, क्योंकि कुछ लोग मेरे घर में नहीं खाते हैं खट्टा, तो मैं अब इसमें डालूंगी कैरी। जिनको ये खाना है वो इसके साथ खाएंगे, और जिनको सादा खाना है वो सादा खाएंगे। तो आप इसमें कैरी डाल सकते हैं, इमली का पानी डाल सकते हैं, और कोकम भी डाल सकते हैं। और कैरी डालने के बाद मैं इसे और 5 मिनट तक पका के लूँगी, ताकि थोड़ा सा भी गल जाएगा तो अच्छा लगेगा। हम
बंद कर देंगे और इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। क्योंकि हमने इसमें सांभर मसाला ऐड किया है तो इसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल सांभर जैसा आता है। तो आप चाहे तो इसे इडली के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी और ऐड करनी होगी, वो आपके ऊपर है, आप ऐसे भी इडली के साथ सर्व कर सकते हैं, इडली या डोसे के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल सांभर जैसा लगता है, और अगर चाहे सांभर मसालों का स्किप भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए।